यहाँ पे ज्वाइन ही नहीं करा रहे लोग, एक साल हो गया एग्जाम का। अभी ये देखिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, और यहाँ पर भगदड़ मच गई है। ये देखिए पुलिस का लाठीचार्ज देखिए। और बार बार आते हैं, क्या बोलते हैं, अब पैनल बना दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, और अभी देख रहे हैं डंडा लेकर के सबको पकड़ के, किसी का शर्ट फाड़ा, किसी का कपड़ा। एक तो वो पहले से बेरोजगार है, उसका शर्ट फाड़ा जा रहा है, उसको मारा जाता, बेइज्जती किया जाता, वो बेइज्जती होने के लायक है वो इंसान? क्या एग्जाम क्वालिफाई करके आया तो क्या एग्जाम क्वालिफाई करके आया तो कुछ हुआ है उसको फायदा? कुछ फायदा नहीं है। इस वक्त पटना में डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम पास किए हुए सैकड़ों अभ्यर्थी हंगामा कर रहे हैं। बेल्ट्रॉन दफ्तर के बाहर सैकड़ों की तादाद में ये अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं और एक साल से लटके पड़े इनकी नियुक्ति को लेकर ये हंगामा कर रहे हैं। हम लोगों से बात करेंगे और समझेंगे क्या आप लोग का प्रदर्शन है, वजह क्या है। हम लोग सर DO कैंडिडेट है सर, हम लोग एक साल पहले पास आउट कर गए हैं, उसके बाद भी हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। हम लोग चार बार यहाँ पे आ चुके हैं, हम लोग बस यही यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हम लोग का पैनल बना दे, बस और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। और हम लोग को बार बार आश्वासन देकर हम लोग को यहाँ से बिलगा दिया जाता है, अभी पुलिस से चार्जिंग करवा दिया है, हम ज्वाइनिंग कर दिया गया है। ये गुप्त रूप से सूचना मुझे मिला है और हम कह रहे हैं कि हमको ज्वाइनिंग या किसी और के ज्वाइनिंग किए है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ज्वाइनिंग हमने किया है? उसलिए मैंने कहा हूँ कि आप पैनल तैयार कीजिए, पैनल तैयार कीजिएगा तब पता चलेगा सब। वजह क्यों आप लोग घर? हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा है सर, हम लोग को झूठा आश्वासन हमेशा से, दो साल से हम लोग परेशान है सर, हम लोग को हर बार झूठा आश्वासन मिल रहा है सर, हम लोग हमेशा से परेशान है और हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं हो रहा, पैनल प्रकाशित नहीं हो रहा, हम लोग को धांधली की आशंका है सर बेल्ट्रॉन में, इसीलिए हम लोग आए हुए हैं सर। सर अभी तो पैनल नहीं प्रकाशित किया गया, अब बिना पैनल का ज्वाइनिंग शुरू हो गया। जब पूछा था तो बोलता है कि ज्वाइनिंग हो रही है, तो बिना पैनल का ज्वाइनिंग शुरू हो गया। 10,000 बहाल, 7,311 कैंडिडेट पास हुए हैं और कोई पैनल लिस्ट नहीं बन रहा है। हम लोग यही बोल रहे हैं बार बार कि हम लोग जिला बाय जिला पैनल बन जाए, और जिला बाय जिला पैनल बन जाएगा तो सारे ज्वाइनिंग हम लोग शुरू हो जाएगा। ये लोग घूस लेकर अंदर से अंदर सारे लोगों से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस हम लोग को भगा रहा, हम लोग का अपना, हम लोग कुछ दंगा नहीं किए, हम लोग कुछ किए, पुलिस हम लोग को भगा रहा। हम लोग कोई गुंडा हो, गुंडा मवाली है क्या? हम लोग कैसे भगाया जा रहा है? आप लोगों ने परीक्षा तो पास कर ली है, TCS के द्वारा एग्जाम लिया गया, उसके बाद हम लोग पास आउट है और ऐसे दोहराया जा रहा है, कहीं कोई पैनल TCS एग्जाम लिया, हम लोग रिटर्न निकाल लें, फिर टाइपिंग निकाल लें, उसके बाद ये देखिए ये सैकड़ों छात्र जो हैं वो अभी बेल्ट्रॉन ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हुए थे और अब इनको यहाँ से पुलिस ने हटा दिया है और अब ये मेन रोड पर आगे बढ़ रहे हैं। हम ये देखिए तस्वीर, ये पटना का मेन बेली रोड है जहाँ पर जो सैकड़ों जो छात्र हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं। इनकी मांग है कि जो रिजल्ट पिछले साल घोषित कर दिया गया है उसके आधार पर आखिर इनकी नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है? क्या है, आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं करा रहे लोग, एक साल हो गया एग्जाम का। अभी ये देखिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, और यहाँ पर भगदड़ मच गई है। ये देखिए पुलिस का लाठीचार्ज देखिए, इधर। ये तस्वीरें हैं कि जो नौजवान अपने रोजगार को लेकर मांग कर रहे हैं, पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। बेल्ट्रॉन के जरिए इन अभ्यर्थियों ने डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो परीक्षा थी वो पास की थी। 7,000 से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने ये परीक्षा पास की, लेकिन बीते एक साल से ये नियुक्ति की प्रक्रिया रुकी हुई है। और ये देखिए तस्वीरें,
ये देखिए पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। पटना की ये सड़क है बेली रोड, यहाँ पर छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया। ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बेल्ट्रॉन की डाटा एंट्री ऑपरेटर की परीक्षा पास की थी। सरकार के विभिन्न जो विभाग हैं उनमें डाटा एंट्री के जो पद होते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के, वो बेल्ट्रॉन के ज़रिए भरे जाते हैं। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये सरकार की एक इकाई है और इसके ज़रिए तमाम जो प्रोसीजर थे उनको फॉलो करने के बाद 7000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने ये एग्ज़ाम पास किया, लेकिन भर्ती नहीं हो रही। आप लोगों ने लाठी चार्ज कराया सर? कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ है, सिर्फ उनको हल्का हाथ से बलपूर्वक हटाया गया। हल्का हाथ से तो नहीं सर, लाठियां भाजी गई हैं। वो हल्की लाठी नहीं है, लाठी नहीं है, हल्का खाली बल का है। तो छात्र तो प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांग रख रहे उनकी, थे उनकी जो मांग है वो यहाँ पर धरना देने के लिए ये मना है यहाँ धरना देना। धरना स्थल गर्दनी बाग है। हाँ। वो जो है लेकिन वो तो जा ही रहे थे, उनको तो हटा दिया गया था बेल्ट्रॉन ऑफिस से। वो वहाँ पर जा नहीं रहे तो रोड जाम करने का प्लान बना रहे थे। ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट हैं, उनका कहना है कि जो अभ्यर्थी थे ये लोग ना ऐसे ही हम लोग के साथ करते, इनसे पूछिए जवाब क्या दे रहे हैं। ये लोग ना बस हम लोग को मारते, अभी बस चले ना तो धक्का देके गिरा देंगे और हम लोग को मार देंगे। ये लोग चाहते हैं कि हम लोग मर जाए। आप लोग कितने दिन से इंतजार कर रही है नियुक्ति की? अरे अब तो 2 साल हो जाएगा, जून में 2 साल हो जाएगा, अभी 1.5 साल हो चुका है और बार बार आते हैं। क्या बोलते हैं, अब पैनल बना दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, और अभी देख रहे हैं डंडा लेकर के सबको पकड़ के, किसी का शर्ट फाड़ा, किसी का कपड़ा। एक तो वो पहले से बेरोजगार है, उसका शर्ट फाड़ा जा रहा है, उसको मारा जाता, बेइज्जती किया जाता, वो बेइज्जती होने के लायक है वो इंसान? क्या एग्जाम क्वालिफाई करके आया तो क्या एग्जाम क्वालिफाई करके आया तो कुछ हुआ है उसको फायदा? कुछ फायदा नहीं है। बस ये एक हकीकत है कि जो पहले से ही बेरोजगार है उनके ऊपर लाठियां भाजी जा रही हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर 7000 से ज़्यादा ये वो अभ्यर्थी हैं जो अपनी बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं और बदले में इन्हें